डियर स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आप लोग का क्लासेस। मैं एक छोटा सा मैसेज देने आया आपको। सिंस आपके लिए हो सकता है ये जो पढ़ाई है ये पहली बार है। बहुत सारे बच्चे वीडियो में पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आज तक कभी इस तरह से वीडियो क्लासेस नहीं की, तो उनसे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। आप पूरा इस वीडियो को सुने क्योंकि आपको आगे के लिए दिशा दिखाएगी। सबसे पहला, वीडियो क्लासेस बहुत डिसिप्लिन मांगता है, कांट बी डन विथ जस्ट सेक ऑफ डूइंग। अगर आप एक रूटीन बनाकर प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे, वीडियो क्लास आप कर नहीं पाएंगे। मतलब क्या होता है कि आप अगर ये सोचेंगे कि मन हुआ तो पढ़ लें, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ें, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है वीडियो क्लासेस का, वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एक टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा, 8 बजे से, 11 बजे से, 2 बजे से, 5 बजे से करके, 3-3 घंटे का नॉर्मली एक स्लॉट होता है, 8 बजे से, 11 बजे से, फिर दूसरा 2 बजे से, तीसरा 5 बजे से, तीसरा चौथा 8, 11, 2, 5, ऐसे दिन में 4 स्लॉट आपको मिलते हैं। तो इस 4 स्लॉट में आपको अपने डिफरेंट क्लासेस को प्लेस करनी पड़ेंगी। आप कॉस्ट, टैक्स, अकाउंट्स, लॉ प्लेस कर दो, या फिर 2 कॉस्ट 2 टैक्स। 2 सब्जेक्ट तो चलना ही चाहिए, अगर 4 सब्जेक्ट चला रहे तो कॉस्ट, टैक्स, अकाउंट्स, लॉ ऐसे प्लेसमेंट कर दो। और फिर नियम से उतना बजे रोज एक क्लास कॉस्ट का खत्म करना है, एक क्लास अकाउंट्स का खत्म करना है। अब ये पहला स्टेप है। क्या स्टेप है? कि सर आप अपना रूटीन बनाएंगे। दूसरा, जब भी वीडियो क्लास देखेंगे फोकस्ड होकर, अटेंशन देके, यानी कि ईयरफोन लगा लेंगे। ऐसे आप अगर बस वीडियो ऑन करके, स्पीकर ऑन करके देखेंगे ना, तो क्या होगा, कोई भी आते जाते आपको देखेगा, आपके साथ बैठ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। आप ईयरफोन लगाते हो तो क्या फायदा होता है कि आपका फोकस क्लास में ज्यादा चला जाता है। जब भी क्लास देखेंगे मोबाइल, अगर क्लास में मोबाइल में क्लास देख रहे हैं तो बाकी सब ऐप को, नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे। ऐप में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, सारे ऐप का नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, सिर्फ जिस ऐप में क्लास करें उसके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। ये जनरल सेटिंग्स मोबाइल में कर ही दीजिए अगर आप मोबाइल में क्लास, अगर मोबाइल में क्लास नहीं करते लैपटॉप में, तो नोटिफिकेशंस तो आप ऑफ मोबाइल का ऐसे भी कर दीजिए, क्योंकि जब लैपटॉप में क्लास करते हैं तो मोबाइल उठा के बैग में डाल दीजिए, दूसरा रूम में रख के आइए। मोबाइल सामने नहीं रहना चाहिए, मोबाइल सामने रहेगा क्लास पर ध्यान नहीं जाएगा। ये सब चीज़ें देखो, जब आप कोई फेस टू फेस क्लास करते हो ना, तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हो, मोबाइल बैग में रहता है, मोबाइल पॉकेट में रहता है, यू डोंट यूज़ मोबाइल वाइल डूइंग क्लासेस। ईयरफोन लगाना है और मोबाइल को उठा के रख देना, अगर मोबाइल में ही क्लास कर रहे हैं तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखना है, और अगर लैपटॉप में क्लास करो मोबाइल में नोटिफिकेशन तो ऐसे भी ऑफ कर दो, और सारा का सारा मोबाइल उठा के ले जाके दूसरा रूम में रख दो, या बैग में डाल के बैग बंद करो। नेक्स्ट आपको बताना है कि जब भी वीडियो क्लास करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि सर है अंदर बाहर, तो सर अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो आपको उसका जवाब देना है। ऐसा नहीं करना है कि बस कोई ना कोई तो दे देगा, मेरे को क्या लेना देना। दैट मीन्स यू शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व, यू शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व। अगर गुड मॉर्निंग हुआ तो आपने भी गुड मॉर्निंग बोला, अगर गुड आफ्टरनून बोला तो आपने भी गुड आफ्टरनून बोला, अगर आपको आंसर पूछा तो आपने आंसर बोला, पर कुछ सुन रहा है आप, ऐसा अज्यूम करके पढ़ाई करिए। आप अगर ये सोचेंगे कि हम क्यों बोले, कोई ना कोई बोल देगा सर, अपना कर देंगे, ऐसा नहीं। डिसकम्युनिकेशन फील नहीं होना चाहिए, गैप नहीं फील होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए सर मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। वो तब हो सकता है जब आप ऐसा मानोगे। जब हम मूवी हॉल में जाते हैं, कोई अच्छा मूवी देख रहे होते हैं, तो हम हीरो जो चल रहा होता है, विलन जो चल रहा होता है, उससे तो बातें कर रहे होते हैं। घर में भी देखना, मम्मी लोग भी कभी सीरियल देख रही होती है, कोई सास बहू का सास कुछ एक्शन लेती है, तो तब उनके अंदर भी कुछ जाग जाता है, वो बोलने लग जाती है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसा। तो ऐसे एक्टिवली इन्वॉल्व होकर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है? तो क्या क्या मैं बताया आप एक बार फिर से रिपीट करो, कहीं नोट कर लो। रूटीन बनाना है 4 स्लॉट में, 8, 11, 2, 5,
चार में चार सब्जेक्ट डाल दो, या दो दो क्लास करके दो दो सब्जेक्ट डाल दो। सेकेंड नंबर क्या करना है, ईयरफोन लेके बैठना है, स्पीकर में नहीं सुनना है, चाहे मोबाइल में देखो चाहे लैपटॉप में देखो, ईयरफोन नहीं है खरीद लो, ठीक है। जिस ईयरफोन से कान में दर्द ना हो वो वाला ईयरफोन खरीद के लेके आओ, बट ईयरफोन जरूर लेना है, इसी से अटेंशन आएगा। तीसरा नंबर क्या करना है, मोबाइल से दूर रहो, नोटिफिकेशन से दूर रहो, बीच बीच में फोन, बीच बीच में मैसेज कभी नहीं उठाना, ये उठाओगे तो ये आपको बैकफायर कर जाएगा। चौथा नंबर आपको मैंने क्या बताया, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, सर के साथ बातें करनी है, आंसर देना है, बोलना है। जब जब आपको बोला जाइए अभी करो, तो ये नहीं कि फॉरवर्ड कर दिया और बस सर जब कर रहे तो नोट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है, आपको करना है, आपको वेट करना है, आपको बोला है वेट करो तो वेट करना है। गो विद द क्लास, डोंट बी इन हरी टू फिनिश द क्लास, गो विद द फ्लो। आपको तो पता चल जाता है ना क्लास कितने देर का, तो उतने देर तक आपको रुक के क्लास करना है, उतना टाइम अपना ब्लॉक करना, उतना देर क्लास के साथ बिताना है। कोई भी चीज को समझ में आने के लिए भी टाइम देना पड़ता है, ये माइंड है, कोई मशीन नहीं है। यहाँ पे कोई चीज रखा और रखते ही वो तुरंत समझ में आ जाएगा, सुनते ही समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसको समझने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। ये क्लास अपना एक पेस पे चलता है। मेरी क्लास में एक खूबी है कि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ, रियल वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करता हूँ। अब वो कनेक्शन करके बातें करते करते आपको रिलैक्स करता हूँ और कनेक्शन बनाकर आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। इस तरह से कंसेप्ट परोस के लिए दिया जाता है कि आपको वो कंसेप्ट्स अपने आप क्लिक करने लगते हैं। मतलब एक होता है कि मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे दूं और बोलूं देखो इससे ये वैल्यू से ये करना है, ये वैल्यू से ये करना है और ऐसे सम करना है। दैट इज अप्रोच वन, जहाँ पे जरूरत होता है वो भी करते हैं कभी कभी, बट ज़्यादातर क्या करते हैं कि ऐसा कुछ करके दिखाते हैं स्टोरी के साथ, ऐसा कहानी के साथ, बातों के साथ, कि आपका वो फॉर्मूला आपको माइंड में क्लिक कर जाए और आप खुद ब खुद फॉर्मूला ड्राइव कर करके आगे बढ़ जाए। इससे क्या होता है कि जो प्रोफेशनल एग्जाम है ना उसमें आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के जो एग्जाम में जनरली आता है वो आप कर पाते हो। अब आपका जो पढ़ने का पुराना अप्रोच बीकॉम में या 11th 12th में रहा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा, उसमें आप क्या करते थे, उसमें सर लोग फटाफट खाली लिस्ट ऑफ स्टेप्स या लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज लिखाते थे और उसके हिसाब से आपको सम्स करा देते थे, आप 10 सम 12 सम हर वैरायटी का कर लेते थे, तो आपका एग्जाम का काम हो जाता था। प्रोफेशनल एग्जाम में दोनों चीज का जरूरत होता है, एक चीज तो ये तो चाहिए स्टेप्स प्लस सम्स, बट एट द सेम टाइम वो स्टेप्स कहाँ से आ रहा है उसको भी सीखना पड़ता है और उसके लिए धैर्य रखनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, सर जो बोल रहे हैं उस पर अटेंशन देना पड़ता है। बीच बीच में मैं आपको जनरल लाइफ में कैसे बेटर पर्सन बनना है, बेटर ह्यूमन बनना है, कैसे अपने जिंदगी की समस्याओं को भी सॉल्व करनी है, वो सब को भी थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक के रूप में, बातों के रूप में बताते रहता हूँ, जिससे कि आप और लाइट हो जाएं। बहुत बार बच्चों को लगता है कि नहीं 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 वो सब हमको नहीं सुनना, हमको आगे फॉरवर्ड कर देना है, मत करिए। आपने ब्लॉक किया है, आपने भरोसा किया है, ब्लॉक किया मतलब टाइम ब्लॉक किया ना कि अभी एक क्लास करेंगे, भरोसा किया आपने हमारा क्लास लिया है तो कुछ उम्मीद से लिया है, वो उम्मीद पूरा हो जाएगा, वो पूरा तभी होगा जब आप धैर्य से पूरा क्लास करेंगे। अगर आप हड़बड़ हड़बड़ में स्किप करके देखेंगे कोई की भी क्लास तो आपका टाइम और मनी वेस्ट हो जाएगा। और हमारे यहाँ से कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया है कि हम आपको मतलब किस तरह से बेस्ट स्टूडेंट बनाए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ व्हाट अ स्टूडेंट शुड बी। स्टूडेंट शुड बी की बातें आप बोलते रहने दो, वो मैं देख लूंगा, मुझे खाली मार्क्स ले आओ। नहीं, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर पैरामीटर। अगर आप सही स्टूडेंट भी नहीं बन पाए, सही आदमी नहीं बन पाए, सही चीज को जान नहीं पाए दुनिया का, तो ये मार्क्स किसी काम का नहीं है। ये मार्क्स बहुत बहुत ही तुच्छ मेजरमेंट होगा आपके आपके परफॉर्मेंस का। मार्क्स कांट बी द ओनली थिंग, मार्क्स इज जस्ट वन थिंग। हमारा कोशिश रहता है, आज 15 साल से पढ़ाते पढ़ाते कोशिश है
कि बच्चों की जो नादानियां हैं ऑब्जर्व करते करते वो क्लास में उनको बता देते हैं, जिससे कि वैसी समस्याएं उनके साथ आगे उनकी जर्नी में ना आए, चाहे पढ़ने रिलेटेड हो, चाहे वो सीखने रिलेटेड हो, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे वो दोस्तों से रिलेटेड हो, चाहे रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ को कैसे किया जा रहा है उससे रिलेटेड हो, उन सब चीज़ों पर गौर करके ध्यान देना। असली मसाला वो है, सम्स वगैरह तो होते ही रहेगा, वो तो हो ही जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा। रखोगे आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपको, लगेगा कॉस्टिंग ये अभी कर देता, आधा रात को उठ के कर देता है। 80-90% मुंह जवानी कॉस्टिंग आ जाएगा बाय द एंड ऑफ द कोर्स। आप सोचिए ऐसा आपको कॉस्टिंग सीखना, 80-90% मुंह जवानी आ जाएगा, मतलब आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो कोर क्रिटिकल पार्ट है वो अलग बात है, 80% कॉन्सेप्ट आप बिना देखे ऐसे बोलोगे ये, ऐसा हो गया नहीं कि आप भूल गए, विल फील दैट बट यू हैव टू पेशेंट फॉर दैट। तो अननेसेसरी स्किप करके, अननेसेसरी स्पीड बढ़ा के, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से मत देखना। देखो एक चीज, एग्जाम आपका कितने घंटे का ये आपको पता है? लास्ट चीज आपको बता रहा हूँ, एग्जाम आपका कितने घंटे का होता है? आधा घंटा का, 1 घंटा का, 2 घंटा का? बोलो, एक्टिवली बोलो ना, मैंने बोला ना। आप ये क्यों सोचते थे सर सुन नहीं रहे, हम क्यों बोले, हम खाली सुनेंगे? बोलो, यही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का बात हो रहा है, इससे आपका क्लास में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो आंसर है 3 घंटे का। तो 3 घंटा लगातार बैठोगे कि 1 घंटा बैठोगे फिर घूम के आओगे, फिर 1 घंटा बैठोगे फिर घूम के आओगे? लगातार बैठना पड़ेगा। तो उसका प्रैक्टिस कब करोगे 3 घंटा बैठने का? जब एग्जाम आएगा बैठ पाओगे डायरेक्ट? माइंड चलेगा वो 3 घंटा तक लगातार? कतई नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग जब से पढ़ रहे हैं, साल पहले हम लोग सी बन गए थे, हम लोग जब से पढ़ रहे हैं तब से एक ही प्रथा हम लोग शुरू से चला रहे हैं। एटलीस्ट आपके केस में, सिंस एग्जाम 3-3 घंटे का है, तो बेटा 3-3 घंटा पढ़। तो क्लासेस ऐसी डिजाइन की जाती है कि 3 घंटे का स्लॉट में होता है। अब 3 घंटा के पहले ही छोड़ देते हैं, 3 घंटे, 2:15, 2:35, 2:40, कभी कभी उसमें 5-10 मिनट ब्रेक भी रहता है, चलो तुम रेस्ट कर लो, कभी कभी रहता है। बट एग्जाम में 3 घंटा में ब्रेक नहीं मिलता, में टाइम नहीं मिलता। तो अब बच्चों का क्या रहता है ना कि हम 2.5 घंटा नहीं पढ़ सकता, तो एग्जाम कैसे देगा? ये प्रोफेशनल कोर्स है, आप 2.5 घंटा नहीं पढ़ सकते, ये कैसे हो सकता है? इंटर, तो इंटर फाइनल में भी बच्चे ऐसे बोलते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता, आप 2.5 घंटा नहीं पढ़ सकते, 2:40 नहीं पढ़ सकते, 2:20 नहीं पढ़ सकते, तो आप कैसे आगे का सोच रहे हो? 10-10 मिनट पढ़ाई करने का सोच रहे हो? यूट्यूब वीडियो चल रहा है, ये यूट्यूब वीडियो होता है ना, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का वीडियो, फिर आगे नेक्स्ट, फिर 10 मिनट का वीडियो, फिर नेक्स्ट। 10-10 मिनट में तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन नहीं होता। हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, आधा घंटा का क्लास, 40 मिनट का क्लास, तो 40 मिनट में कॉन्सेप्ट ही नहीं खत्म होता, फिर नेक्स्ट में जाते जाते आदमी का माइंड ऑफ हो जाता है। हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि एक क्लास को 2 पार्ट में तोड़ के देते हैं, 1.5 घंटा 1.5 घंटा। तो ये एक्सपेरिमेंट से मेजॉरिटी का क्या रिव्यू आया मालूम? मैं रिव्यू आया कि सर आप 2 को तोड़ के मत दो, क्योंकि क्या होता है फिर 1.5 घंटा ही आदमी पढ़ता है, फिर सोचता है दूसरा क्लास बाद में करेगा। फिर तोड़ के देने से क्या होता है, अगर कोर्स में 70 क्लासेस हैं तो वो 140 क्लासेस जैसी दिखती है, तो लगता है इतना बड़ा कौन करेगा। किसी और सर के यहाँ पे हुआ कि उसको तोड़ा हुआ तोड़ा हुआ तोड़ा में 500 वीडियो मिल गए, तो उसको देख के घबरा गया, 500 क्लास का कोर्स है मैं नहीं करूँगा। कि वो कोई आधे घंटे का था, कोई 40 मिनट का था, कोई 45 मिनट का था, तो इतना वॉल्यूमनेस लगता है। कहीं एक मिडवे हम लोग को आना पड़ा, क्लास इतना फ्लो में दिया जाता है कि आपको 2.5 घंटा, 2:40 कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप वो टाइम को ब्लॉक करके पढ़ेंगे। आप ये सोचेंगे कि अरे मेरा तो आज का पढ़ाई 1.5 घंटा में हो जाए, जबकि क्लास 2.5 घंटे की है। आपको तो शेड्यूल में दिख जाता है ना, क्लास शेड्यूल में तो वीडियोस का टाइम शेड्यूल में दिख जाता है कि वीडियो कितना देर का है। आपके सॉफ्टवेयर्स में प्ले टाइम मल्टीप्लाई करके भी दिखता है रिमेनिंग टाइम,
आपको शेड्यूल मिलता है, एक वीडियो का पूरा शेड्यूल। अगर आप बाय चांस आपके पास नहीं आया हो तो आप SGC से हेल्पलाइन में मांग सकते हैं, या फिर आप जो गूगल ड्राइव से वीडियो क्लास डाउनलोड करते हैं ना, गूगल ड्राइव में भी हम लोग डाल देते हैं शेड्यूल, तो वो शेड्यूल को आप प्लीज़ रेफर करें और उसमें देख ले क्लास कितनी देर की है, और उतना देर ब्लॉक करके पढ़ें कि मेरे को इतना देर माइंड लगा के पढ़ना है। स्पीड अगर बढ़ाना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा ईविल से 1.2 तक चल जाएँ। वो 1.5 जाने से क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ स्किप हो जाता है, बहुत बच्चे 1.5 तक चल जाते हैं, वो स्किप हो जाएगा। क्यों स्किप होगा? क्योंकि अचानक से कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा जिसका ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं है, आप तो 1.5 पे उतना गौर नहीं कर पा रहे, एक एक वर्ड पर क्या होगा, खट से स्किप हो जाएगा, उतना तो अटेंशन देके कोई नहीं पढ़ पाता। इसलिए 1.2 इज ओके अगर आप स्पीड बढ़ा रहे तो भी तो आपको फायदा हो गया ना, कि आपका अगर 2 घंटा 40 मिनट का क्लास है डिवाइड बाय 1.2 करेंगे तो 2 घंटा में हो गया, 40 मिनट बच गया। बट अगर आप अपने आप को रेट करो, अगर आप एवरेज हो तो कोई संकोच नहीं है, अगर आप एवरेज हो तो डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द स्पीड ऑल्सो, क्योंकि मैं जो स्पीड से पढ़ाता हूँ ये सोच के पढ़ाता हूँ कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी आराम से सीख जाए, आराम से सीख जाए, मेरे को हड़बड़ नहीं होता सिखाने का। हालांकि मेरा टाइम आज के डेट पे आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, कि मैं बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ लाइफ में, आप सिर्फ अपने पढ़ाई को हैंडल कर रहे हो भी मेजॉरिटी, तो मेरे पास तो बहुत चीज़ें करने को, इतने सारे स्टूडेंट्स का टाइम मेरे टाइम से जुड़ा हुआ है, मेरा टाइम का वैल्यू मैं समझता हूँ। अगर मेरे से 1,000 स्टूडेंट पढ़े तो 1,000 घंटा इज इक्वल टू माई 1 घंटा ना, तो मैं हमेशा मिनिमम पे जाऊंगा। अगर आपको शॉर्ट में कोई चीज पढ़ना है तो वो एक बार पढ़ने के बाद सेकेंड टाइम शॉर्ट में होता है, दैट इज वी कॉल एज रिविजन। सेकेंड टाइम आप देखना, ये इतना बड़ा कोर्स को आप 20% टाइम में पढ़ लोगे। यस ये पॉसिबल है, और ये वो भी मैं कराऊंगा, हमारे यूट्यूब में सारे रिविजन वीडियोज दिए हैं, तो उसका आप चिंता ना करो, वो भी मैं कराऊंगा आपको। शॉर्ट में कैसे पढ़ना हूँ मैं दिखाऊंगा आपको, बट पहले डीप में जाना पड़ेगा, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपने माइंड को सजाइए। इसलिए प्रॉब्लम कब होती है, जब आप जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि क्लास ड्यूरेशन देख के टाइम ब्लॉक कर दीजिए, ईयरफोन लगाइए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, मोबाइल को दूर रखिए जो आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करता है। क्लास का समय मतलब क्लास का समय, जैसे क्लास करते हैं ना तो एकदम सीरियस काम जैसे होता है वैसे होता है, खुले मैदान में बैठ के क्लास करोगे, सब चल रहा है, इधर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई बातें कर रहा है, क्लास नहीं हो पाएगा वैसा। रूम बंद करके एकांत में बैठ के क्लास करनी पड़ेगी, ऐसा घर में एनवायरमेंट नहीं है तो लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, बट क्लास को क्लास के डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा। और ना विश्वास किया है तो एंड तक पहुंचिए तो सही, फिर देखिए मजा। 80-90% सब्जेक्ट आप मुंह जवानी बोल रहे होगे, इसको ऐसे बता दोगे, वो कॉन्सेप्ट ऐसे बता दो, कॉन्सेप्ट ऐसे बता दोगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। बस जैसे जैसे फिर क्लास के एंड में गाइड किया जाए कि आज ये पढ़ के आओ, कल वो पढ़ के आओ, ये होमवर्क करके आओ, उसको डेली बेसिस में कर लीजिएगा, वो लिंगर मत करिएगा क्या आज ये नहीं करेंगे, अपना मन मर्जी मत चलाइए। मेरा SGC का और आपका, आपके माता पिता का, सबका एक ही गोल है कि आपका रिजल्ट कैसे आ जाए। हम लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कैसे आ जाए। इसके अलावा आपको मेरे से कभी भी कोई सवाल पूछना हो, कहीं आप फंस जाएं, कोई क्वेरी आ जाए, तो क्वेरी को नोट कर लीजिए, उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं। अगर और अच्छे से रिजॉल्व करना है तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा हुआ, उधर दोस्तों से पूछ सकते हैं, आपस में सॉल्व हो जाए, कभी सब हो जाता है तो, नहीं तो वो क्वेरी आप मुझसे पूछिए। मुझसे कैसे पूछना है ये प्रोसेस के लिए आप किसी हेल्पलाइन में कांटेक्ट करें, वो आपको बता देंगे, मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जब मुझसे पूछेंगे तो मुझे क्वेश्चन और आंसर जो भी आपका फंसा हुआ है उसका फोटो खींच के भेजिएगा, क्वेरी लिख के भेजिएगा, मैं बता दूंगा, आई विल गाइड यू। So we are there at each and every step. Complete your course, then we'll meet again for revision. While doing revision, I'll give you several tests. So that test has to be given by you.
एंड रिजल्ट आएगा ही आएगा, आप उसका चिंता करो ही मत, लेकिन सिर्फ अभी इतना ही प्रॉमिस करो कि आप जिस तरह से अभी मैंने बताया उस तरह से क्लासेस करो, विश्वास करके, कोई चाहे कुछ भी बोले, अपनी कमियों को पहचानो और उस पर काम करो, अपनी कमियों को क्लासेस पे मत थोपो, अपनी कमियों पे काम करो कि क्या मेरे से नहीं हो रहा है, अभी मैं जो नया नया कोर्स कर रहा हूँ उसमें मेरे से क्या नहीं हो रहा है, मतलब मैं लंबा नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो बैठना सीखो, कौन मतलब रिवीजन में तो फिर और लंबा लंबा बैठना पड़ता है, वो कैसे होगा, मतलब उस समय बैठ लेंगे, अरे उस समय बैठने के लिए अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी इतना तो करना पड़ेगा, सो लंबा नहीं बैठ पा रहा हूं तो बैठो, ठीक है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं तो ईयरफोन लो, डिस्ट्रैक्शन रहित एनवायरमेंट में जाओ, मोबाइल उठा के फेंको, मोबाइल में क्लास करो तो नहीं फेंक सकते, तो नोटिफिकेशंस बंद करो, मोबाइल में अगर हो सके तो कोई दूसरा मोबाइल में क्लास करो जिसमें कोई आपको कांटेक्ट ना करता हो, ठीक है, यू हैव टू ट्राई दिस आउट ना, कमियों को पहचानो और उस पर काम करो कि कमी थोप दो, थोपना नहीं है किसी पे, अपने ऊपर काम करना है, कहाँ दिक्कत आती है, आप मुझसे भी बात नहीं कर पाते, हेल्पलाइन में हमारे बात कर, आप कर ही दीजिए, सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगे हैं, पूरे एसजीसी टीम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगा हुआ है, बस ये मैसेज ही देना था, इससे आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलना चाहिए और आप आगे बढ़ें, हम रहेंगे, तब तक ध्यान रखें, चलिए, थैंक यू।